रांची पाइपलाइन रुका प्लांट से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर पानी सप्लाई पाइपलाइन में लीकेज हो गया है। बता दें कि 72 घंटे से अधिक समय होने के बाद भी लीकेज की मरम्मती नहीं हो पाई है, जिसके चलते पानी प्रति घंटे बर्बाद हो रहा है। साथ ही आसपास में काफी मात्रा में पानी जमा हो गया है, जिससे सड़क धंसने के कगार पर है। बता दें कि रुक्का पानी प्लांट से रांची के लाखों घरों में पानी पहुंचता है, लेकिन पाइपलाइन के लीकेज होने से शहरवासियों को पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। वहीं विभाग की लापरवाही के चलते लोगों को सही मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार पाइपलाइन लीकेज होते रहा है, लेकिन विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंगती। अब देखना यह है कि पाइपलाइन की मरम्मत कब तक होती है। रुक्का रांची पाइपलाइन लीकेज होने के कारण सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते 12 घंटा से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी पाइपलाइन की मरम्मत नहीं हुआ है। आखिर लापरवाही क्यों? न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।